सिंहासन पर बैठकर राज करने के लिए खून से हाथ किसने किस हद तक साने हैं, आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि भारत के कुछ लोग हमेशा औरंगजेब को ही इस कटघरे में खड़ा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने भाइयों का कत्ल करके सिंहासन कब्जा करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सम्राट अशोक के नाम है। कभी आपने अशोक को इसके लिए गाली खाते देखा है? नहीं देखा होगा। वो भारत में महान कहलाए। उनका अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। उनका चक्र भारत के झंडे में जगह पाया और भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ को जरूरी कर दिया गया। जबकि इसी संदर्भ में महाभारत की जंग भी हुई, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। नेपाल में तो एक राजकुमार प्रिंस दीपेंद्र शाह ने 1 जून 2001 को अपने राज परिवार के 9 लोगों को कत्ल कर दिया। मरने वालों में उनके पिता राजा वीरेंद्र, माँ रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 और सदस्य शामिल थे। उसको भी किसी ने गाली खाते नहीं देखा होगा। इस कॉन्सेप्ट में सारी गाली औरंगजेब के हिस्से में आई। महान अशोक ने अपने 99 भाइयों का सिर काट के उनकी लाश कुएं में फेंक दी और राजा बन गया। इसी सम्राट अशोक ने अपने दरबार में ही 500 अधिकारियों का गला तरवाल से रेत के उनके सिरों को उनके धड़ से अलग कर दिया। इसी अशोक ने लाखों को कलिंगा जंग में मार दिया। जिंदा बचे लाखों बच्चों और औरतों को कलिंग से लाकर मगध में बेच दिया। पर इसके लिए कभी सम्राट अशोक की बुराई नहीं होती, मगर औरंगजेब की इसी काम के लिए बुराई होती है। क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दाराशिकोह समेत कई भाइयों का कत्ल करवाया और बाप शाहजहां को कैद में रखा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि दाराशिकोह ने अपने बाप शाहजहां के साथ मिलकर क्या किया था। शाहजहां और दाराशिकोह की साजिश के तहत फैलाए शाहजहां की बीमारी की खबर सुनकर औरंगजेब अपने पिता से मिलने डेक्कन से आगरा वापस आ रहे थे। तो दाराशिकोह ने धोखे से अपने सगे भाई औरंगजेब को जान से मारने की कोशिश की थी। अब आप ही बताइए, यह कौन सी मोहब्बत थी औरंगजेब से दाराशिकोह की? लड़ाई में जो बहादुर था वो जीता। कमजोर और भाई की पीठ में खंजर मारने की कोशिश करने वाला दाराशिकोह मारा गया। बाप शाहजहां कैद किए गए, तो जेल की किसी काल कोठरी में नहीं बल्कि आगरा के लाल किले के आलिशान महल के उसी मुसम्मन बुर्ज में रखा जो शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था। और अपनी बड़ी बहन जहां आरा को 24 घंटे बाप की खिदमत के लिए लगाया, बस दारू बंद करा दी। अशोक का सिंहासन के लिए नरसंहार जोरों पर था, पर अशोक में महानता खोजी जाती है और औरंगजेब को वैसे ही उसे छोटे काम के लिए गाली दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि औरंगजेब मुस्लिम था। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज अमेरिका के टेक्सास में 19 बच्चों और एक टीचर को स्कूल में घुसकर गोलियों से भून देने वाला मानसिक विषम था। ऐसी यह घटना 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल में हुई थी। तब इस्लाम, मुसलमान और कुरान को खूब कोसा गया था और ऐसी वारदातें करने को उकसाने वाली आयतें बताई गई थी। आज सब और खामोशी है। गोबर भक्त कहते हैं औरंगजेब इस्लामिक कट्टरपंथी था। अब आप ही बताइए, ये औरंगजेब कैसा कट्टरपंथी था जिसके 7 सेनापति में से 5 हिंदू थे? मशहूर इतिहासकार और शायर अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा है कि ले दे के सारी दास्तां में तुम्हें इतना याद है, औरंगजेब हिंदू विरोधी था, सितमगर था, जालिम था। कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिलहाल NIN में इतना ही। इसी तरह झूठ के परतों से सच को जानने के लिए देखते रहिए NIN।